एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। केंद्रीय सरकार ने घरों में महिलाओं को धुएं से राहत मिले इसके लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य हर घर गैस कनेक्शन पहुंचाना है। इसी सिलसिले में आगरमालवा जिले में भी कई परिवारों को योजना का फायदा मिला था, लेकिन जिले के कुछ परिवार अभी भी ऐसे हैं जो लकड़ी और मिट्टी के चूल्हे का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे गरीब मजदूर वर्ग की महिलाएं आर्थिक तंगी के चलते गैस की टंकी नहीं ले पा रही है, जिसके चलते इस योजना का फायदा उन्हें नहीं मिल रहा है। देखिए आगरमालवा से हमारे सहयोगी जफर मुल्तारी की ग्राउंड रिपोर्ट। साल 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना था। महिलाओं के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए एक ऐसे भारत की कल्पना की गई थी जिसमें धुएं का स्थान ना हो, पर्यावरण प्रदूषण ना हो। हम आगरमालवा के उज्जैन दरवाजा कॉलोनी में मौजूद है, यहाँ पर देखने के लिए कि इस योजना का लाभ किस तरह से महिलाओं को मिल पा रहा है या नहीं। ये एक घर है, पास में आप देख सकते हैं, कच्ची झोपड़ी है पूरी, और एक मजदूर पेशा परिवार इसके अंदर रहता है। इसके आप ऊपर देखेंगे टिन शेड के ऊपर जो है लकड़ियों का ढेर है। ये लकड़ियों का ढेर इस कॉलोनी में आमतौर पर इस तरह का देखा जा सकता है। हर घर के बाहर या ऊपर छत के ऊपर ऐसे लकड़ियां इकट्ठी कर ली जाती है बरसात के पहले, ताकि चूल्हा जलाने में इस्तेमाल हो सके। हम घर के अंदर जाकर किचन की स्थिति देखते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है उसका चूल्हे का इस्तेमाल किस तरह से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर हम आए हैं तो काफी धुआं धुआं नजर आ रहा है, आपको दिख रहा होगा पूरा कमरा जो है किचन धुएं से घिरा हुआ है। कच्ची झोपड़ी इसी के अंदर परिवार रहते हैं, और ये जो एक महिला है इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे जिनका यह परिवार है। अम्मा क्या नाम है आपका? मेरा नाम कोमल भाई है। कोमल भाई है, तो आप यहीं आगर रहते हैं? हाँ, आगर रहते हैं। कितने लोग हैं आपके परिवार में? हमारे लोग पांच लोग हैं। पांच लोग हैं, तो किस तरह से आप सात है सर पर पांच किस तरह से आपका परिवार चलता है? सब सब मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं? हाँ, मजदूरी करते हैं। तो कोमल भाई आप ही बताओ, आप चूल्हा क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? आपको तो गैस इस्तेमाल करना चाहिए प्रधानमंत्री। ये तो सही सर, लेकिन वो टंकी नहीं भरा पाते हम। क्यों? मजदूरी नहीं चलती, कभी चलती ना, बारिश में तो कोई काम पे नहीं लगाता है सर, इसके लिए मजबूरी है। तो लकड़ी बीन के लाते हैं जंगल से और चूल्हा जलाते हैं, रोटी सब्जी उससे बनाते हैं। तो बारिश में तो लकड़ियाँ भीग भी जाती, गीली बाहर गीली हो, चूल्हे पे रख देते हैं नहीं हम, चूल्हे पे रख देते हैं नहीं सी, जिसके बाद चूल्हे पे शाम को रख देते हैं तो दिन शाम को सूख जाती, रोटी वोटी बना के रख देते हैं गीली लकड़ी में तो सुबह सूख जाती है नहीं, फिर जिसके बाद में फिर हम चूल्हा जला लेते हैं, चूल्हा जला लेते हैं, फिर रोटी सब्जी बनाते हैं। तो ये आप जो खाना इस्तेमाल करने में लकड़ी इस्तेमाल करती है तो धुआं वगैरह काफी होता होगा? होता है सर, यो धुआं तो ऐसा ही होता है सर, पर अब क्या करें, मजबूरी है हमारी, तो काम भी चलता है तो कभी भरा लेते हैं, कभी टंकी तो बहुत कम चलाते हैं हम, टंकी भरा नहीं पाते। तो टंकी तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर आपका जो किचन है इसमें टंकी यहाँ पर रखी है और चूल्हा भी, इसका गैस चूल्हा भी रखा है। हाँ, गैस चूल्हा भी रखा है। तो आप क्यों इस्तेमाल नहीं करते? तो सर वो पैसे नहीं रहते हैं, नहीं इतने 950 रुपए टंकी भराते, हम अनाज लाते हैं सर, आटा आटा मोल लाते हैं, तो हमारा आटा जरूरी है सर, टंकी तो भरा नहीं पाते हम इतनी जल्दी। हाँ। तो इसके लिए हम टंकी बाद में भराते हैं, 6-7 महीने में भरा ले, 8 महीने में भरा ले। तो सरकार ने तो बहुत अच्छी योजना चलाई है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसमें गैस नहीं है सर, हमारे पास नहीं है वो। क्यों नहीं मिली हमारे को सर? हम गए सारा सर दिया था सर, बहू के नाम से भी दिया और मेरे नाम से भी दिया था, तो बोले कि नहीं मिलती है तुम्हारे को। क्यों, क्या बोले? नहीं मिलती है वो, पहले वो लिया था सर गैस चूल्हा दिलाया था, उनने काम करते वहाँ पे से सेठ ने, तो उसमें तो आसान किस्तों में भी पैसा आपको देना है, बहुत सुविधा दी है सरकार ने आपको, तो कुछ भी सुविधा नहीं मिली सर हमारे को। लेकिन सरकार ने तो इतनी अच्छी सुविधा दी कि आपको रिफिल कराने पे सब्सिडी भी देती है? नहीं देती सब्सिडी, आई नहीं सर हमारे को, कोई टंकी भर आए तो 950 रुपए लगते, कितने लगते हो, 6-7-8 महीने तक भराते हैं जब। अभी कोमल भाई का परिवार की स्थिति हमने देखी, किस तरह से वो चूल्हे का इस्तेमाल वो कर रही थी, और एक घर और है उन्हीं के पड़ोस में घर है, बिल्कुल कच्ची सी झोपड़ी नुमा घर दिख रहा है, हम इसके अंदर जाके देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ किस तरह से जो है वो अपना रहती है और गुजर बसर करती है। एक अम्मा यहाँ दिख रही है, यहाँ पे भी एक कच्चा चूल्हा दिख रहा है जिसमें लकड़ियां रखी है, शायद चूल्हा जलाने की तैयारी में अम्मा है। एक छोटी सी झोपड़ी टिन शेड के, पुराने टिन शेड लगे इसमें, जिसके बारिश से बचने की जुगत यहाँ पे की हुई एक अम्मा ने, और ये पूरा कच्चा सा है, पूरा खुला है, इधर से सामने से भी बारिश आती होगी, हम इनसे बात करेंगे। अम्मा आपका नाम क्या है? रेशम भाई। रेशम भाई कितना उम्र होगी आपका?
ये 60 के, 60 के आसपास। रेशम भाई ये बताओ आप किस तरह से ये घर का खर्चा चलता है? सर है नहीं जाए कहीं दाढ़ी करने जाए। नहीं वो काम तो नहीं करूँ सर, अतरी तकलीफ हुए मेरे मैं थोड़ा वो दुखी देख आता हूँ ऐसा दुखी है मैं। दो दो बार एक्सीडेंट हुई है मेरा, बहुत मजबूरी मार में दाढ़ की करी ना मुझे रखा उस पर। रोते नहीं अम्मा, हिम्मत रखिए थोड़ा सा, है ना, रोते नहीं। दाढ़ की करूँ सर नींद में जब तड़का में नहीं हुआ तो एक काम कर रही ना लाऊ जगह तेरे का दो चौरा दो अलग हुई गया कोई रोटी दे आओ नहीं मैं। तो आप ये बताइए अम्मा कि जो चूल्हा है आपके पास में रखा है कच्चा चूल्हा में लकड़ी से आप जलाते हैं, किस तरह का परेशानी आपको होती है? ये लकड़ी में ला जंगल में बिनवा जावा बरसात के टाइम जाए माड़ में लकड़ी लाए फिर चूल्हो चाहता है जिस रोटा सब्जी बनाए। तो आप चूल्हा गैस का क्यों नहीं इस्तेमाल करते? गैस मिली ही नहीं मारे सर, गैस मिली ही नहीं, दो दो बार कागज दिए मारे मिली ही नहीं गैस, दो दो बार कागज दिए मैं भी गैस नहीं मिली मारे, ये तो परेशानी आई हुई है। लकड़ी नहीं लगाए तो फिर मोल भी लानी पड़े थोड़ी बहुत। आपके घर में गैस चूल्हा ही नहीं है? नहीं है मारे है ही नहीं गैस, तो दुखे मारे धन रात। सरकार ने तो इतनी अच्छी स्कीम चलाई है उज्ज्वला योजना जिसमें महिलाओं को ले ही रखा गया इस योजना में, तो फिर दे तो कौन कहीं कर रहा फिर कहाँ से ले जाओ, दो दो बार कागज दे दिया हमने मिली ही नहीं हमारे, दो दो बार परेशानी हुई कि जय जय दिन भर खोटी हुई, मैं कागज तरने का पैसा लगाया मैंने दो दो बार फार्म दे दिया हमने कोई नहीं मिली हमें, वो परेशानी हुई कि मैंने गैस के पीछे। एक परिवार और है इसी उज्जैन दरवाजा कॉलोनी का जिसके किचन में से धुआं निकलता नजर आ रहा है, तो हम देखते हैं आखिर धुआं किस बात का है। क्या नाम है आपका? कमला भाई। कमला भाई हाँ। कितना उम्र हो गया आपका? अब 50-60 की तो उम्र सही। 50-60 साल हो गया हाँ। तो आप ये चूल्हा क्यों इस्तेमाल करते, गैस क्यों नहीं करते इस्तेमाल? तो हमारे दी तो कौन है टंकी ने, क्यों नहीं दिया? आपने अप्लाई किया था? क्यों कह के तुम्हारी उम्र होगी, तीन तीन बार फार्म भर दिया मैंने, तो फिर कहीं करूँ, तो लकड़ी लाऊ ना बाड़ू भी सही ना सो करूँ, लकड़ी नहीं मिले सर, लकड़ी नहीं मिले। लकड़ी क्यों नहीं मिलता है? जंगल में जावा तो कितना अटाड़ो है जंगल में, राड़ी झाड़ी में से सूखी पाकी जला के ने लाते हैं, फिर रोटी जलाते हैं, धुआं भराते हैं आँख में, और परेशानी होती है, आंसू भी आते हैं, बहुत परेशान है हमारे। तो आपको क्या समस्या है चूल्हा लाने में गैस का? अब पैसा भी देना चाहे, गरीब तो घर हमार देखो ना झोंपड़ी जगह जगह तो चुही रहो। हाँ तो बारिश होती है जब क्या दिक्कत होती है फिर आपको? बारिश होती है तो कहीं चुही रहो हमारे जगह जगह बर्तन मांडी में लिया सब दूर। हाँ जी। चूल्हा जलाने में कोई समस्या आती है? आए नहीं, लकड़ी जो गिली वही जाए तो परेशान, खूब परेशान हुआ हम तो, कोई दिन भूखे भी सो जाए चूल्हे के पीछे। क्यों? हम नहीं जले तो फिर क्या करे, गीली लकड़ी दे तो जलते पाती है क्या? तो कोई दिन भूखे भी सो जाते हैं। तो आपका तो, क्या नाम है आपका? अजय सोनी, में प्रबंधक हूँ यहाँ पे इंडियन गैस। अच्छा, इंडियन गैस के प्रबंधक के। अजय जी बताओ, जो आगर जिला आगर जो एजेंसी है आपके पास, कितने गैस कनेक्शन उज्ज्वला योजना के है महिलाओं के नाम? 6,958 उज्ज्वला के कनेक्शन है टोटल यहाँ पर। तो इतने जो करीब 7,000 के आसपास कनेक्शन है, रिफिल कितने होते हैं इसमें हर महीने? इसमें 30-35% रिफिल हर महीने हो जाता है। केवल 30-35%? हाँ। इसकी क्या वजह है कि इतनी कम संख्या में रिफिल? मैक्सिमम ग्रामीण लोगों के कनेक्शन भी है इसमें, और वो क्या है कि चूल्हे की रोटी पसंद करते हैं, तो उनके पास ऑप्शन है लकड़ी गंडों का, तो इसलिए वो बनाते हैं, इसलिए रिफिल इसकी उज्ज्वला की थोड़ी सी डाउन जाती है। तो लेकिन कहीं ऐसा भी दिक्कत आती है कि आप पैसा नहीं होता लोगों के पास में, इस वजह से रिफिल नहीं करा पा रहे हैं? नहीं, ऐसा तो अब फिलहाल नहीं है, कारण कि कंपनी ने 5 किलो का एक छोटा सिलेंडर भी निकाल रखा है, जिसमें क्या होता है कि मतलब जैसे महिला एक वर्कर है तो 300 रुपये के अप्रोक्स उसकी कास्ट है अभी, तो 300 रुपये इजीली वो कर सकती है महिला, तो रिफिल का मतलब पेमेंट वाला तो इशू शायद अब नहीं होना चाहिए। समाज में महिलाओं का स्थान बहुत ही संवेदनशील माना गया है, इसीलिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की गई थी जिसमें पात्र महिलाओं को गैस कनेक्शन दिए जाने थे, मगर या तो जानकारी का अभाव है जिसके चलते इन महिलाओं तक गैस कनेक्शन नहीं पहुंच पा रहे, या फिर जो जिम्मेदार है वो अपनी जिम्मेदारी का ठीक से निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना जमीन पर पूरी तरह से अमल नहीं हो पा रही है। आगर मालवा से कैमरा सहयोगी रोशन बैरागी के साथ जफर मुल्तानी, NDTV।